नमस्कार, वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते व्यापार जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। मदेसी वैश्य सेवा समाज मंडल मुंबई के अध्यक्ष हरिवंश गुप्ता का भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही इसी सभा एवं ब्रह्म भोज का आयोजन पूर्ण हुआ। बता दें कि हरिवंश गुप्ता का पिछली 3 जुलाई को निधन हो गया था। वहीं इस मौके पर संस्था की पूर्व सचिव एवं हिंदी पत्रिका वणिका दर्पण के संपादक शुभ नारायण सह ने कहा कि हरिवंश जी एक कर्मठ, निडर और ईमानदार समाज सेवक थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अरुण यादव के निर्देशानुसार नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग द्वारा पेड न्यूज के मामले में 3 साल के लिए लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद वे तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, जिसकी बर्खास्तगी को लेकर जिला कांग्रेस मंडला द्वारा सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में नरोत्तम मिश्रा का पुतला दहन किया गया। वैश्य व्यापार न्यूज चैनल द्वारा संचालित हेल्पवे मीडिया एंड फिल्म प्रोडक्शन का 16 जुलाई को क्राइम सीरियल क्राइम आजकल दूसरे दिन का ऑडिशन समाप्त हुआ। वहीं इस ऑडिशन में एक्टिंग की दुनिया के जाने माने निर्देशक एवं निर्माता सत्यार्थ सिन्हा, भोजपुरी जगत के मशहूर गायिका गीता पंडित ने जज की भूमिका निभाई। साथ ही वैश्य व्यापार और हेल्पवे मीडिया एंड फिल्म प्रोडक्शन के चेयरमैन कुमार विजय के नेतृत्व में ये ऑडिशन सम्पन्न हुआ। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अब सिर्फ 2 हफ्ते का समय बचा है। रिटर्न भरने के लिए 31 जुलाई 2017 आखिरी तारीख है। ऐसे में अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आकलन वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न भरने के लिए कुछ बदलाव हुए हैं। रिटर्न भरते समय उन लोगों को खास एहतियातन बरतने की जरूरत है जिन्होंने नोटबंदी के दौरान अपने खाते में 2 लाख रुपये या इससे ज़्यादा जमा कराए हैं। देश की प्रमुख स्टील कंपनियों में शुमार एसआर स्टील को गुजरात हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कंपनी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कंपनी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फैसले को चुनौती दी थी। आरबीआई ने एसआर स्टील के मामले को कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी सीएलटी में भेज दिया था। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण 21 जुलाई को सभी दूरसंचार कंपनियों के साथ वॉइस और डेटा शुल्कों के लिए न्यूनतम मूल्य पर चर्चा करेगा। कुछ कंपनियां इसकी मांग कर रही हैं। बता दें कि मौजूदा दूरसंचार कंपनियों का एक वर्ग डेटा और वॉइस कॉल्स के लिए न्यूनतम कीमत निर्धारित करने की मांग कर रहा है, लेकिन लागू करने का मतलब होगा कि बाजार में मुफ्त दी जा रही सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। माल एवं सेवा कर को 1 जुलाई से लागू हुए अब तक 2 सप्ताह हो चुके हैं। इसी के मद्देनजर जीएसटी परिषद की बैठक हुई जिसमें इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के क्रियान्वयन के बाद स्थिति की समीक्षा की गई। बता दें कि लागू होने के बाद ये जीएसटी परिषद की पहली बैठक है। वहीं जीएसटी परिषद का गठन पिछले साल सितम्बर में हुआ था। बाजार की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की पहली बार मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपये के पार पहुँच गई है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बाद ये दूसरी कंपनी ने जिसकी मार्केट कैप 5 लाख करोड़ की पार पहुंची है। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में TCS दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी है। पेटीएम मॉल अपने प्लेटफॉर्म पर सेलर्स की लिस्टिंग के लिए नॉर्म्स में बदलाव कर रहा है जिससे गड़बड़ी करने वाले सेलर्स से बचा जा सके। वहीं पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड की इस कंपनी ने सेलर्स के लिए ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर देना अनिवार्य कर दिया है। पेटीएम मॉल ने ऐसे 85,000 से अधिक सेलर्स को डीलिस्ट कर दिया है जिनके प्रोडक्ट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं करते थे। देसी आईटी उद्योग में नौकरियां नहीं बढ़ने जा रही हैं क्योंकि अग्रणी नियोक्ता उत्पादकता में सुधार व डिलीवरी सेवाओं के लिए स्वचालन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसकी वजह यह है कि ये नियोक्ता अनिश्चित माहौल में लाभ में बने रहने के लिए तकनीक में बदलाव पर संघर्ष कर रही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। व्यापार जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।